चैनल आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसकी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 9 में क्या गिवन है, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड व्हिच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। इफ वाटर फ्लोस थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि उसमें क्या गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक देखिए कैनाल है, अगर हम लोग इस टाइप से कैनाल को एज्यूम कर लेंगे, ये कैनाल है ठीक है, और एक कोई सिलिंड्रिकल टैंक गिवन है, इस टाइप से कोई टैंक बना हुआ है ठीक है। तो एक पाइप को कनेक्ट किया जाता है कैनाल से सिलिंड्रिकल टैंक में ठीक है, इस टाइप से कनेक्ट कर दिया गया है, और जो पाइप है उसकी इंटरनल डायमीटर यानी कि ये जो गिवन है वो कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर है, और साथ में सिलिंड्रिकल टैंक जो है उसकी डायमीटर है 10 मीटर ओके, और साथ में कहा गया एंड 2 मीटर डीप। डीप यानी क्या हुआ, इसकी गहराई यानी कि वो एक तरीके से क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो इसकी हाइट है वो 2 मीटर की गिवन है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ वाटर फ्लोस थ्रू द पाइप, वाटर फ्लो कर रहा है पाइप के थ्रू ठीक है, तो उसकी स्पीड दे रखी है एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा है, यहां से जा रहा है कैनाल से जा रहा है और टैंक में भर रहा है, तो हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में ये टैंक फिल हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो चलिए इसमें जो जो गिवन है पहले हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दिस इंप्लाइज दैट रेडियस ऑफ पाइप, इसको हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं ठीक है, तो वो हो गई 10 सेंटीमीटर। देन डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू 10 मीटर, देन रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, रेडियस सिलिंड्रिकल टैंक की कैपिटल आर एज्यूम कर लेते हैं ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी 5 मीटर। देन डेप्थ गिवन है, डेप्थ को हम लोग एच भी मान सकते हैं ठीक है, तो हाइट, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इसको हम लोग कैपिटल एच मान लेते हैं, तो वो कितनी है 2 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ वॉटर, स्पीड ऑफ वॉटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर ठीक है, और क्या पूछा गया, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट टैंक बी फिल्ड, टैंक विल बी फिल्ड इन टी आर्स। अब इसको आर्स मानिए चाहे इसको मिनट्स में मान लीजिए, उसी हिसाब से यूनिट्स चेंज हो जाएंगी ठीक है। अब देखिए जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर इस कैनाल में है ठीक है, वो पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है इस सिलेंड्रिकल टैंक में, तो यानी कि जो फ्लो ऑफ वाटर है यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पाइप यानी कि फ्लोस थ्रू द पाइप, वही क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल टैंक, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि दोनों का ही वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम होगा ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए जो पाइप है वो भी सिलिंड्रिकल फॉर्म में ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोस थ्रू द पाइप इज इक्वल टू
volume of water in cylindrical tank. Okay, तो जो भी वॉल्यूम ऑफ वॉटर पाइप में है वही वॉल्यूम ऑफ वॉटर सिलिंड्रिकल टैंक में होगा. तो वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन द पाइप क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच. ओके, और यहां पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, सॉरी कैपिटल एच. ठीक है, तो यहां पे देखिए पाई और पाई, एक तो ये कैंसिल हो गया. उसके बाद आर कितना गिवन था वहां पे, 10 सेंटीमीटर में आया था. ठीक है, तो 10, तो इसको क्या करेंगे, देखिए बाकी सारी यूनिट्स मीटर में गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं आर को यहाँ पे मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर को जब करेंगे तो 10/100 हो गया, और यहाँ पे क्योंकि आर स्क्वायर है तो इसी तरीके से 10/100 एक और आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय एच. ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर. तो कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5 × 5 मल्टीप्लाई बाय एच, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2. अब देखिए यहाँ पे एच कैसे निकालेंगे, देखिए जब सिलेंड्रिकल पाइप इस टाइप से है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसकी हाइट हुई है ना, वर्टिकल जब है तो ये इसकी हाइट हुई. और अगर हम लोग इसी पाइप को हॉरिजॉन्टली अगर रख देते हैं तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसकी लेंथ है. ठीक है, अच्छा जो पानी फ्लो हो रहा है पाइप के थ्रू, जो पानी फ्लो हो रहा है वो तो फ्लोइंग वाटर है, वो स्टेशनरी नहीं है. तो वहां पे जब फ्लोइंग वाटर होता है, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 में भी किया था कि जब फ्लोइंग वाटर होता है तो वहां पे स्पीड देखी जाती है वाटर की, कि वाटर ने कितनी डिस्टेंस कवर की है एक पर्टिकुलर टाइम में. ठीक है, तो वहां पे क्या गिवन है, यहाँ पे स्पीड गिवन है. तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड डिस्टेंस निकालना है हम लोगों को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो क्वेश्चन नंबर 8 में वहां पे हम लोग लेंथ लेके चले थे क्योंकि वहां पे क्यूबॉइड शेप था. अब यहाँ पे क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में है. ठीक है, तो जो लेंथ है वही अब इस समय क्या है, इसकी हाइट है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को एच भी मान सकते हैं, कि यहाँ पे ये क्या है, एच है. ओके, और स्पीड कितनी गिवन है, कितनी गिवन है, 3 किलोमीटर पर आवर. ओके, और टाइम, टाइम कितना लग रहा था, हम लोगों ने टी मान के चले थे टाइम को, है ना, ये भी हम लोग आर में ही मान के चल रहे थे, टी आर्स में मान के चल रहे थे. तो इस केस में क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कितनी है, स्पीड इंटू टाइम है. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस को हम लोग एच को क्या ले सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम. 1 0 1 0 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/100 बचा, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस यानी कि एच को हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू, और 50 यहाँ पे वैल्यू आ गई. ठीक है, तो 1/100, अब देखिए स्पीड कितने गिवेन है, 3 किलोमीटर में गिवेन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 1 आर है. ओके, तो यहाँ पे आर रहने देते हैं, मल्टीप्लाई बाय टाइम हम लोग टी मान के चल रहे थे, तो टी भी हम लोग आर्स में ही मान के चल रहे थे. ठीक है, तो इस इक्वल टू 50. ओके, तो जब हम लोग को टी निकालना है, अब आर हम लोग हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, जब हम लोग को टी निकालना है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जाकर के ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल में हो जाएगा. तो 50 × 100 अपॉन 3 × 1000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/3. ये किस में निकला है, आर्स में निकला है. और जब हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2/3 आर्स कह सकते हैं इसको. ठीक है, और 2/3 यानी कि देखिए ये आर तो पूरा है. ठीक है, यानी कि ये 1 आर में कितने हो गए, 1 आर में होते हैं 60 मिनट्स, यानी कि 60 प्लस, इसको अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आर को कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 60 मिनट्स हो गए,
और 2/3 आवर्स को कन्वर्ट करेंगे जब मिनट्स में, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी कि 60 + 40 इक्वल टू 100 मिनट्स। तो चाहे आप ये आंसर लिखिए या अगर आप ये भी आंसर लिखेंगे तो भी बिल्कुल सही होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।